नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानिया आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न अंडर अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओपीडी क्या होता है, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आज के वीडियो में मैं आपको ओपीडी के बारे में सारी जानकारी बताने वाला हूँ। कई लोगों को ओपीडी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बता सकूँ। अक्सर आप सभी ने कई प्रकार के अलग अलग शब्द सुने होंगे, उसमें से कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ओपीडी भी कुछ इसी प्रकार का होता है। ओपीडी के फुल फॉर्म के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में कई अलग अलग स्थानों पर आपके लिए इस प्रकार की जानकारी उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे अप्लॉज बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में इसे बोलते हैं बाहर रोगी विभाग। तो अब बात आती है कि ओपीडी क्या है। यह कई अलग अलग प्रकार का होता है। सामान्यतः इसके कक्ष ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए परेशानी ना हो। वह कोई भी मरीज जब भी अस्पताल में जाता है तो सर्वप्रथम उसको ओपीडी में ले जाया जाता है, जहां उसकी बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। वह उसके पश्चात उस व्यक्ति को संबंधित विभाग में इलाज के लिए भेजा जाता है, ताकि उसका सही तरीके से इलाज किया जा सके। यह कई अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्त्री रोग, दंत रोग, हड्डी रोग, चर्म रोग व अन्य कई अलग अलग भागों में बांटा गया है। वहां पर किसी भी मरीज आदि की औपचारिकता को पूर्ण करने के पश्चात उस मरीज को अन्य संबंधित विभाग में इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। सामान्यतः सभी अस्पतालों में ओपीडी की सुविधा आपको मिल जाएगी। जब भी किसी व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती किया जाता है तो इसमें सामान्य दो तरह के लोगों को भर्ती किया जाता है, जिसमें से पहला तो वो मरीज होता है जिसको भर्ती नहीं किया जाता, वह दूसरा वह मरीज होता है जिसको 24 घंटे से अधिक समय के लिए भर्ती किया जाता है। अगर हम आसान शब्दों में व अपनी भाषा में कहें तो जब भी हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर हम इलाज के लिए सबसे पहले किसी भी डॉक्टर से परामर्श लेने उसके कक्ष में जाते हैं, उसी को ओपीडी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ओपीडी की सेवाएं। ओपीडी की अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं जिसके द्वारा मरीज का इलाज किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले कंसल्टेशन चैम्बर्स या सामान्य सेवा होती है, जिसमें किसी भी मरीज को स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी डॉक्टर या विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी जाती है या परामर्श दिया जाता है, उसको कंसल्टेशन चैम्बर्स कहा जाता है। एग्जामिनेशन रूम या ओपीडी की वह सेवा है जिसके अंतर्गत किसी भी रोगी की जांच की जाती है और रोगी की बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है, उसको एग्जामिनेशन रूम कहा जाता है। डायग्नोस्टिक यह ओपीडी का वह हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत रेडियोलॉजी, विकृति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान व क्लिनिकल आदि सेवाएं आती हैं। इसके अलावा भी ओपीडी के कई प्रकार के अलग अलग भाग होते हैं व उसके आधार पर रोगी की उसकी बीमारी के अनुसार अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ओपीडी में रोगियों के प्रकार, यह कई लोगों को पता नहीं होता कि ओपीडी में कितने प्रकार के रोगी होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो प्रकार के रोगी होते हैं। पहला, जिसको इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है पर उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता। दूसरा, इसमें वह रोगी आता है जिसको इलाज के लिए अस्पताल में लाया जाता है और इसके साथ ही उसको इलाज के लिए एक या अधिक दिनों के लिए भर्ती किया जाता है। यह दोनों प्रकार के रोगी ओपीडी के अंतर्गत आते हैं व इसके आधार पर किसी भी रोगी का इलाज किया जाता है व बीमारी के अनुसार निश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा या नहीं भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ओपीडी से जुड़ी हुई। मैंने आपको बताया कि ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपीडी में रोगियों के प्रकार क्या क्या होते हैं और ओपीडी में क्या क्या सुविधाएँ आपको सेवाएँ दी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा
और हमारे चैनल लर्न अंडर अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।